गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अपन आज चैप्टर 6 बी माय मल्टीपल आई विल बी योर फैक्टर्स का वर्कशीट को सॉल्यूशन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो इसमें अपन यहाँ तो अपन क्लास लिखी हुई, नाम लिख सकते हैं, रोल नंबर, डेट, ये सारी डिटेल आपको फिल कर सकते हैं। उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक इज द फैक्टर ऑफ इवन नंबर बी माई मल्टीपल। ये कौन सा नंबर है जो सबका ही फैक्टर होता है? वन इज फैक्टर ऑफ इवन नंबर, यानी वन होता है वो किसी भी नंबर का फैक्टर हो सकता है। जैसे वन है, टू का भी है, थ्री का भी है, फोर का है, एकमात्र ऐसा नंबर है जो सभी का फैक्टर है वन। सेकेंड क्वेश्चन है, एवरी नॉन जीरो नंबर इज ए फैक्टर ऑफ, एंड जीरो के अलावा वो कौन सा नंबर है जो सभी का फैक्टर है? तो उसमें भी क्या होगा अपना वन, क्योंकि कोई भी टेबल होती है उसमें वन से तो डिवाइड होता है। अब नेक्स्ट है थर्ड वाला, द नेक्स्ट फोर मल्टीपल्स आर 3, 6, 9। 9 के बाद क्या आएगा थ्री के टेबल में? 12 के बाद 15 के बाद 18 के बाद 21। इस टाइप से अपन कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है, ब्लैंक इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोज, वो कौन सा नंबर है जो ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोज नंबर। प्राइम नंबर और कंपोज नंबर क्या होता है वो अब आप देखिए, प्राइम नंबर एंड कंपोज नंबर देखते हैं अपन। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो एक, वन और खुद के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने 70 लिख दिया, 17। अब 17 वन और 17 की टेबल के अलावा किसी की टेबल में नहीं आता है, तो 17 क्या है? एक प्राइम नंबर। कंपोज नंबर क्या है? कंपोज नंबर उस नंबर को बोलते हैं जो खुद और एक के अलावा किसी और से भी डिवाइड हो जाता है। जैसे 16 हो गया, 16 क्या है कंपोज? देखो वन से ही होता है, टू से ही होता है, फोर से ही होता है, 16 से भी होता है, 8 से ही होता है, तो ये क्या हो गया? एक कंपोज नंबर। तो अपन क्या लिख सकते हैं, देखो फर्स्ट वाले में वन इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, एक ऐसी चीज़ है जो सबका ही फैक्टर होता है। एवरी नॉन जीरो नंबर इज ए फैक्टर ऑफ वन, एकमात्र एक सीधा जो जीरो के अलावा सभी का फैक्टर होता है। फिर नेक्स्ट है थर्ड है, द नेक्स्ट फोर मल्टीपल आर 3, 6, 9, उसके बाद 3 के 12 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 18 आ जाएगा, 21 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है, वो कौन सा नंबर है जो ना तो प्राइम है और ना ही कंपोज है? तो वन है, वन ना ही तो प्राइम में आता ना ही कंपोज में। देखो देर, देखो आर ऑल प्राइम नंबर ओड, ओड का मतलब क्या होता है? ओड होता है सम एंड विषम नंबर, ठीक है। तो अब क्या आ रहा है, देखिए ओड का मतलब होता है विषम और इवन का मतलब होता है सम। ओड का मतलब जैसे वन है, थ्री है, फाइव है, सेवन है, नाइन है। तो देखिए प्राइम नंबर का क्या मतलब होता है? जो खुद और वन के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं हो। बट सेवन क्या है? सेवन एक ओड नंबर है, बट वन से होता है, थ्री से होता है और नाइन से होता है। तो इसमें क्या आ जाएगा? नो, क्योंकि जो सारे प्राइम नंबर होते हैं वो ओड नंबर नहीं हो सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए, द फैक्टर ऑफ 15 आर 1, 3, 5 एंड एक्स, व्हाट इज द एक्स? यानी 15 से कौन कौन से फैक्टर हो गए? वन हो गया, फाइव हो गया, थ्री हो गया, इसके अलावा और क्या होगा? एक्स, एक्स का मतलब क्या? जो 15 है खुद ही, वो भी अपना फैक्टर हो गया। अब देखो नेक्स्ट है 7 नंबर, नंबर्स विच आर डिवाइडेड बाई 2 आर कॉल्ड नंबर्स, जो 2 से डिवाइड होता है। जैसे 2 से क्या होता है, अपन बोलते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 20, कोई भी नंबर जो 2 से डिवाइड होता है। जैसे 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो वो 10 आ जाएगा, इसको 5 आ जाएगा। जैसे मैंने 50 लिख दिया, ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 25 हो रहा है इस टाइप से। तो ये क्या है, जो 2 से डिवाइड होता है उस नंबर को अपन बोलते हैं इवन नंबर। जो कोई भी नंबर हो एक्स वाई जेड, जैसे मैंने लिख दिया 500 2 से डिवाइड करते हैं तो 250 आएगा। तो ये क्या है? इवन नंबर है। क्या है? इवन। तो इसके अपन क्या लिख सकते हैं, नंबर विच आर डिवाइडेड बाई 2 आर कॉल्ड इवन, हो गया। फिर नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन है, देखिए नंबर विच है ओनली 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड, वो कौन से, वो उसको क्या बोलते हैं जिसके 2 ही फैक्टर होते हैं?
उसको अपन बोल सकते हैं प्राइम नंबर। अब मैंने बताया था, जैसे मैंने एक नंबर ले लिया आपके सामने 29, अब 1 और 29 की टेबल के अलावा 29 किसी और टेबल में आता है क्या? नहीं आता है। तो 29 क्या एक प्राइम नंबर है। 37 ले लिया मैंने, क्या ले लिया? 37 ले लिया। 37 भी है क्या है? प्राइम नंबर। ये भी 37 और 1 के अलावा किसी नहीं आता है। तो वो कौन से नंबर जिसके दो ही फैक्टर्स होते हैं, यानी 1 और वो खुद का, तो उस नंबर को अपन क्या बोल सकते हैं? जिसके दो ही फैक्टर्स हो उसको बोल सकते हैं अपन प्राइम नंबर। बस प्राइम नंबर हो गया। फिर नेक्स्ट है नाइन्थ नंबर। नंबर विच हैव मोर देन टू फैक्टर्स आर कॉल्ड, यानी वो कौन, उसको अपन क्या बोल सकते हैं जिसके फैक्टर्स दो के अलावा होते हैं। जैसे 16 हो गया, ये क्या है? कंपोज नंबर है। तो इसका 1 भी होता है, 2 भी होता है, 4 भी होता है, 8 भी होता है। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं? कंपोज नंबर। तो इसका क्या आ जाएगा? नंबर विच हैव मोर देन टू फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोज नंबर। क्या बोल सकते हैं? कंपोज, COMPOSIT, कंपोज नंबर। ठीक है, फिर लास्ट वाला हो गया, वो कौन सा नंबर है इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोज। वो कौन सा नंबर है जो ना तो प्राइम है और ना ही कंपोज है? तो एक ही नंबर है 1। ये ना तो कंपोज है और ना ही प्राइम है। इस टाइप से अपन ये सारा फिल इन द ब्लैंक कर लेंगे। फिर 11th नंबर क्वेश्चन है, कलर द ऑड नंबर विद ब्लू। इसमें से देखना जो ऑड नंबर है उसको क्या ब्लू करेंगे और जो इवन नंबर है उसको क्या करेंगे? ग्रीन। तो देखते हैं, अब पहले तो इवन और ऑड बता देता हूँ। ऑड वो नंबर होता है जो 2 से डिवाइड नहीं होता, जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया। ये क्या है? जैसे मैंने 107 लिख दिया तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि रिमाइंडर 1 बचेगा, जिसमें रिमाइंडर कुछ नहीं बचना चाहिए। वो नंबर क्या होता है? ऑड नंबर। और हिंदी में ऑड को बोल सकते हैं अपन विषम। और दूसरा है, जो ऑड नंबर है उसको हम ब्लू कलर करेंगे और जो इवन नंबर है उसको क्या करेंगे? ग्रीन। ठीक है, अब इवन नंबर क्या होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, जैसे मैंने लिख दिया 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 50 आ जाएगा आंसर। उसी तरह मैंने लिख दिया 1 लाख को 2 से डिवाइड करेंगे तो 50,000 हो जाएगा। जैसे मैंने 300 लिख दिया उसका आप 150 हो जाएगा। इस टाइप से अपन इवन नंबर कर सकते हैं। तो इवन का मतलब होता है सम और ओड का मतलब होता है विषम। तो अपने को इसमें से देखना है, जैसे 24 है, 24 2 से डिवाइड होता है तो 12 टाइम होता है। तो ये क्या एक इवन नंबर है, इसको ग्रीन कर दिया अपन ने। 9 है, 9 2 से डिवाइड नहीं होगा तो ये क्या बच के सम हो जाएगा, दूसरा जो ओड नंबर हो जाएगा। उसके बाद 18 डिवाइड होता है 2 से, इसको ग्रीन कर दिया। 32 होता है, उसके बाद ये नहीं होगा। 46 होगा, 80 होगा, 100 होगा, उसके बाद 78 होगा, 56 होगा, 640 होगा। ये जो मैंने सर्कल किए ग्रीन से, ये क्या है? ये सारे इवन नंबर है। अब ओल्ड को अपन कौन सा करना करना है? ब्लू। तो ब्लू करते हैं, जो बच गए वो बाकी क्या है? ओल्ड नंबर ये 9, 15, 27, 201। इनको आप देख लो कि डिवाइड करके, अगर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो ओल्ड नंबर है। 111, 55, 633, 101, 99, 235। ये क्या हो गए? ओड नंबर। तो ओड और इवन नंबर में आपको डिफरेंट का पता चल गया। अब नेक्स्ट करते हैं, देखो, यूज द फैक्टर ट्री टू राइट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ, इनके क्या प्राइम फैक्टर्स लिखते हैं। जैसे 24 है, मैंने आपको एक ट्री बताया था, ट्री बना के जैसे 24 लिख दिया। अब 24 के कौन कौन से फैक्टर्स है वो आप लिख सकते हैं। जैसे 24 को मैंने यहाँ ऐसे किया, यहाँ लिख दिया मैंने 12 की टेबल 2R बोलते हैं, 24 होता है। ठीक है, अब इधर ऐसे कर दिया, 2 की टेबल 1R बोलते हैं, तो ये हो गया। अब इधर ऐसे कर सकते हैं, 3 की टेबल 4R बोलते हैं तो 12 होता है। उसके अलावा 6 की टेबल, ये भी लिख सकते हैं इसका, 6 की टेबल 2R बोलते हैं तो अभी 12 होता है। इस टाइप से अपन 24 का फैक्टर्स लिख देंगे। इसी तरह 56 है, 56 का भी एक ट्री बना के जैसे 56 लिख दिया मैंने यहाँ। अब उसके कौन कौन से फैक्टर्स है वो फैक्टर्स अपन लिख देंगे, या इस टाइप से अपन कर सकते हैं। 56 का कौन कौन सा फैक्टर है? 1, देखो मैं बता रहा हूँ 56 से कौन कौन से हैं।
वन इंटू 56, वन की टेबल 56 बार बोलेंगे तो ये हो गए वन और 56 हो गए। उसके बाद टू इंटू 28, 28 की टेबल टू बार बोलेंगे तो 56 होगा। उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा, थ्री नहीं होगा फोर हो जाएगा, फोर की टेबल 14 बार बोलेंगे तो भी 56 होगा। फाइव नहीं होगा, सिक्स भी नहीं होगा, सेवन हो जाएगा। सेवन की टेबल अपन 8 बार बोलेंगे तो सेवन और 8 दोनों इसके क्या है, फैक्टर्स है। उसके अलावा 9 नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, 11 भी नहीं होगा, 12 भी नहीं होगा, 13 भी नहीं होगा, 14 तो ऑलरेडी हो गया, 15 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 17 नहीं होगा, उसके अलावा 20 होगा। अब देखिए 58 के क्या क्या फैक्टर हो गए, 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 14 हो गया, 28 हो गया एंड 56 हो गया। इस टाइप से अपन फैक्टर्स निकाल सकते हैं। इसी तरह अपन 110 के भी निकाल, 120 के भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, देखो टू एज सेट फॉर द फॉलोइंग नंबर्स, यहाँ अपने को लिखा हुआ देखो 12, 16 एंड 18। अब अपने को सबसे पहले 12 के फैक्टर्स लिखने हैं। 12 के देखो 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12, ये हो गए 12 के फैक्टर। अब फैक्टर्स ऑफ 16 के, 1 होता है, 2 हो जाएगा, 3 नहीं होगा, 4 हो जाएगा, 5 भी नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा, 8 हो जाएगा, उसके बाद 16 हो जाएगा। उसी तरह हम 18 का देखते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, 6 हो जाएगा, उसके बाद 9 हो जाएगा, उसके बाद 18 हो जाएगा। ये फैक्टर्स हो गए अपने तीनों के। अब कॉमन फैक्टर ऑफ 12, 16, 18, अब कॉमन देख कौन कौन से, एक तो 1 हो गया तो 1 लिख दिया, इसके अलावा 2, 2 भी कॉमन है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, देखो 3 नहीं है, 4 नहीं है कॉमन फैक्टर, 5 भी नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है। तो देखो कॉमन फैक्टर्स क्या हो गए, 1 और 2। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है इन तीनों का, दोनों का, तो 2। 2 एकमात्र ऐसा कॉमन फैक्टर है जो सभी से डिवाइड हुआ, तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 2 हो गया। इसी तरह अपन बी भी कर सकते हैं, 4, 6, 8 इन तीनों का कॉमन फैक्टर निकालेंगे पहले अलग अलग। 4 का 1 हो गया, 2 हो गया और 4 हो गया, 6 का हो गया 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 6 हो गया, ये फैक्टर्स हो गए। उसी तरह 8 के 1, 2, 4 एंड 8। अब देखते हैं इनके कॉमन फैक्टर्स क्या आ गए तीनों के मिलकर, 1, 2 इसके कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं, 1 और 2। तो अब देखना लोवेस्ट कॉमन फैक्टर क्या है तीनों का, सबसे लोवेस्ट देखें तो 1 आएगा, इसमें अपन हाईएस्ट देखा था 2 आया, इसमें लोवेस्ट कॉमन फैक्टर्स देख लिया। अब लास्ट क्वेश्चन है, इनक्लोज द प्राइम नंबर विथ सर्कल एंड कंपोज नंबर विथ ट्राइंगल, यानी इनमें से अपने को देखना है जो प्राइम नंबर है उस पर तो सर्कल करना है और जो कंपोज नंबर है उस पर ट्राइंगल बनाना है। तो अब देखते हैं, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं, आपको बता रहा हूँ एक बार दोबारा, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 और इसके अलावा खुद से डिवाइड हो, वो प्राइम नंबर है। कंपोज वो उसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो उसको क्या बोल सकते हैं अपन, कंपोज नंबर। तो प्राइम नंबर देखिए 21, 21 देखो 1 से डिवाइड होता है, इसके अलावा 3 से होता है, 7 से होता है और 21 से होता है, तो ये क्या है प्राइम नंबर नहीं होके कंपोज नंबर। अब 17 देखते हैं, 17 को देखते हैं, 17 देखो 1 से डिवाइड होता है, 1 के अलावा और किसी में नहीं आता, 17 में आता है, तो ये क्या है प्राइम नंबर। ठीक है, तो अपन इस पर क्या एक सर्कल बना सकते हैं, इसमें सर्कल बना दो। इसके अलावा 19 भी क्या एक प्राइम नंबर है, 1 और 19 के अलावा किसी में नहीं आता है। इसके अलावा 87 किस किसकी टेबल में आता है देखते हैं अपन, 87 भी एक क्या है कंपोज नंबर है, क्योंकि देखिए 3 की टेबल में देखिए 1 में आएगा, 3 से डिवाइड करते हैं 87 को, 3 से किया 2 टाइम हुआ, 2 बच गया लेफ्ट, 27 9 टाइम, तो 87 होता है, तो ये भी एक क्या है कंपोज नंबर है। 56 भी कंपोज नंबर, 23 नंबर है वो क्या प्राइम नंबर है, ये भी 23 के और 1 के अलावा किसी में नहीं आता है। इसके अलावा
41 है वो भी एक प्राइम नंबर है, और लास्ट में 97 भी 97 और 1 के अलावा किसी टेबल में नहीं आता है, तो ये भी एक क्या है प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर अपने हो गए, इस पर सर्कल बना लिया, और बाकी जो बचे उस पर क्या बना देंगे ट्राइंगल। 21 पे बना दिया, 32 पे बना दिया, 51 पे बना दिया, 87 पे बना दिया, 56 से बना दिया। इस टाइप से अपने प्राइम नंबर और कंपोज नंबर में अपन डिपेंड कर सकते हैं, और वर्कशीट अपनी सॉल्यूशन करनी है। थैंक यू।